नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी अगर नेट पास कर चुके हैं या नेट पास कर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। मिली एक जानकारी के अनुसार अब आपको सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना लगभग अनिवार्य कर दिया जाने वाला है। इस बारे में क्या खबर आई है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे इस वीडियो के साथ। अब तक बने रहे, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं मुद्दे की बात बिना बकवास। नेट पास कर चुके लाखों नौजवानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। आने वाले समय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी को भी लगभग अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। जहां नेट को न्यूनतम अर्हता के रूप में मान्यता मिली हुई है, वहां भी पीएचडी उम्मीदवारों को वरीयता दी जा रही है। इस प्रकार आने वाले दिनों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा महत्वहीन साबित हो सकती है। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभी नेट व पीएचडी में से एक योग्यता होना जरूरी है। यूजीसी के नए नियमों पर भी अमल शुरू होने जा रहा है, जिसमें सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट करने वाले के लिए रहे सही मौके भी खत्म हो जाएंगे। नेट एक न्यूनतम अर्हता तो रहेगी, लेकिन शोध पत्रों के प्रकाशन, शिक्षण अनुभव समेत इतनी शर्तें जोड़ दी गई है कि नेट उम्मीदवारों के लिए दरवाजे करीब करीब बंद हो जाएंगे। इस प्रकार नेट उम्मीदवारों के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है। इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।